हेलो एवरीवन, मैं प्रिया। हेलो एवरीवन, ये प्रिया मैं दीप। हम लोग स्वागत करते हैं हमारे चैनल प्रिया दीप ब्लॉग में। और अभी हम चल रहे हैं, एक्चुअली हम यहाँ पर फ्रूट चाट बना रहे हैं दीप के लिए, रास्ते में कुछ खाने के लिए। रास्ते में हम लोग कुछ खा नहीं सकते हैं, तो यहाँ पर हमने कुछ फ्रूट्स जो दीप खा सकते हैं वो मैंने धुल लिया है और दीप ने इसको छीला था और हम दोनों ने मिलके कट कर लिया। तो यहाँ पर हमारा फ्रूट रेडी हो गया है, हमने सोचा ब्लॉग स्टार्ट कर लें। तो बाबू की टिफिन है, ये बाबू के टिफिन में रख के हम लोग ले चल रहे हैं। तो लेट बहुत ज़्यादा हो गया है, शाम के 5:10 हो गए। दीप सोच रहे थे कि 5 बजे तक हम निकल जाएंगे, जब इसने स्पून ऐड करना है। एक ही रख ले रहे हैं, ठीक है, दो रख लेंगे। देखते हैं कि आप कुछ होता है, क्या कुछ करेंगे, मुझे खुद आइडिया नहीं। अभी हम यहाँ से चलेंगे घर, क्योंकि कल है नहावन। हाँ जी, कल नहावन है। हाँ, तो हम लोग कल चल रहे हैं गंगा जी में नहाने। इसको यहीं पर रख दे रहे हैं, डस्टबिन में नहीं डालेंगे, सड़ जाएगी। ऐसे रख दे रहे हैं, हवा लगेगी, सूखा रहेगा, आके फेंक देंगे। ठीक है, आवाज आ। फ्रेंड्स बहुत ज्यादा लेट हो गया है, फोकस करो, मैं काला हूं। इतिहास नहीं, उस दिन इतना काम हो जाता है ना, जिस दिन मुझे कहीं जाना होता है बहुत ज्यादा काम हो जाता है। तो आज मुझे 2 वीडियो मतलब शूट करना पड़ा बैक टू बैक। बाकी जो छोटे मोटे शॉर्ट्स थे वो तो 4-5 थे। रील्स रिकॉर्ड हो गया कि इतनी अच्छी अच्छी मैंने साड़ी पहनी, मैंने रील्स नहीं बनाई, सिर्फ एक रील मैंने बनाई, वो भी फ्रंट कैमरे से, वही बना के तुरंत पोस्ट भी कर दिया मैंने। बाकी चलो चलते हैं, सबसे पहले चलेंगे कहाँ, चलेंगे जहाँ चलेंगे आप लोगों को लेके चलेंगे। चलो चलते हैं, चलो शुरू करते हैं, चलिए शुरू। फाइनली हम पहुंच गए हमारे लंबुआ, और अभी देखो इतना ही टाइम हो रहा है, देखो 7:56। और देखो बहुत ज्यादा सन्नाटा आ गया है, लाइटिंग लेकिन अच्छी हो गई ना। हाँ, लाइटिंग अच्छी है। तो हम लोग चल रहे हैं, 25 मिनट और लगेगा, 25 मिनट मुश्किल से लगेगा ना घर पहुंचने में। मोर लाइट रिक्वायर्ड, मोर लाइट। तो फ्रेंड्स हम लोग मोर लाइट मिल गई, अरे वो लाइट वो ब्राइटनेस कम नहीं हो रही है। तो हम लोग अच्छा अभी मोर लाइट रिक्वायर्ड हो गया, अभी भी मोर लाइट रिक्वायर्ड आ रहा है, अब नहीं आएगा। तो हम लोग यहाँ रुके हैं पेट्रोल पंप पे, आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा ठंडी है यार, बहुत ज़्यादा। थैंक गॉड दीप ने बोला कि ये पहन लो, जैकेट पहन लो, मैं पहन के आ गई, अदरवाइज मैं तो हाँ मैंने बोला नहीं ठंडी नहीं लग रहा, मुझे ठंडी नहीं लग रही थी। पेट्रोल पंप में ना वॉशरूम वगैरह फ्रेश है, अभी हम लोग से निकले फटाफट ना, चलो ताकि कहीं और ना रुकना पड़े। अब हम लोग डायरेक्ट लखनऊ चलेंगे, चलो प्रयागराज, प्रयागराज बाय। ठीक है, हम लोग पहुंच गए हैं सुजानगढ़ और खा रहे हैं क्या, आइटम एटम बम, आइटम बम बनाई।
ओछा वो लिखा हुआ एटम बम कहाँ लिखा है जिनके दर्शन मात्र से ही एटम बम यहाँ का बहुत ज्यादा फेमस है। हाँ हाँ इनको नहीं मिल रहा है तो चलो हम लोग खा ले सबको रिकॉर्ड कर ले। 12 बजने वाले हैं हम आ गए हमारे दिखाया जाए छोटी भाभी के नए घर पता नहीं इन्होंने दिखाया कि नहीं नहीं कुछ नहीं। तो हम लोग आ गए नए घर हम नहीं दिखाने वाले घर कैसा है वो आपको साइन विद बंदूक पे ही देखने को मिलेगा क्योंकि उनका ज्यादा था उनका चैनल है उनका घर। थैंक यू मामी आते ही सबसे पहले बोले भाई एक ग्लास पानी दे दो बहुत जोर की प्यास लगी है ऐसा लग रहा है गर्मी आ गई चलो कुछ देर बाद आप लोगों से मिलते हैं। नानी की गोदी टहल रहे हो ये बिट्टू सिर पे डॉगी बैठाए हो हेलो हेलो ए बिट्टी ये देखो आ गई जानवी भी प्राणवी जानवी दादी के पीछे छुपी है। कोट पहन लो बेटा था मैं अब जानवी ठंडी नहीं लग रही। कोट पहन लो बेटू जा कोट पहनो नानी को परेशान कर रही है सबसे कूद कूद के कूद कूद के हाँ भाई नानी को जब से पाई है मम्मा को भूल गई है। हाँ भूल गई है मम्मा को मारो तो अरे कह रही है चंदा मामा से प्यारे मेरे मामा वो अजमा रही है मामा प्यारे है कि नहीं मार मार के कल से रात से हमने कैमरा उठाया ही नहीं जब से हम आए हैं थोड़ी देर बाद गए थे ना रात में वही रात में ही उठाया और मम्मी पापा सब गए हैं आज नहाने नहाने गए हैं हमें कोई लेके ही नहीं गया बोले छोटे बच्चे के साथ कहाँ जाओगी हम भी यहाँ धूप में मस्त मज़े ले रहे हैं देखो वही तो लड़कियाँ खिलावा थे वो अंगूठा पिए चक्कर में आई ला पकड़ा पकड़ा वो अपन अंगूठे पकड़ी यहाँ ये चीज़ बहुत अच्छा है कि छत है आराम से मस्त धूप के मज़े लो और गर्मी में भी शाम में आके बैठ सकते हैं शाम में लेट सकते हैं रात में चार पाए डाल के मस्त लेट जाओ सो गाइस आज है चॉकलेट डे और चॉकलेट डे पे देखो भाई ने मुझे चॉकलेट दिया हुआ है हमें ही नहीं सबको दिया मुझे भी मिला हुआ है आप बोले छोटा वाला लो सबको काम निपटा दे हम बड़ा वाला लिए थे 50 वाला एक ही नहीं और वंदना के लिए देखो ये झगड़ा लगा रहे हैं हम भाई बहनों में मार दी हो पापा क्या लाना चाहिए ले भाई मलकिन भक्तिन फ्रेंड्स आज है भाई का बर्थडे और मैं ऐसे ही लेटी हूँ आप देख सकते हो बहुत ज्यादा कोल्ड हो रखा है बोला भी नहीं जा रहा है सांस भी नहीं ली जा रही है हमने बहुत कुछ प्लान किया था बट आज नहावन था जिसकी वजह से कुछ नहीं हो पाया। मैंने सोचा था कि आज हम जाके संगम में नहाएंगे बट इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि कोई मुझे जाने नहीं दिया क्योंकि बच्ची बहुत छोटी है तो मैं नहीं गई और मुझे नहीं पता कि ब्लॉग कितना बड़ा हुआ है दीप यहाँ पर सो रहे हैं क्योंकि उनको भी बेटर नहीं फील हो रहा है और मैं यहाँ पर आई मैंने एक बार सोचा कि मैं प्रीति को कॉल करके बता दूँ या मैसेज करके बता दूँ बट बस यही बात हो गई ना कि हम कहीं निकल ही नहीं पा रहे हैं और उनसे भी नहीं मिल पाएंगे हम लोग यहाँ रहते हैं इस साइड और प्रीति रहती हैं वहाँ एयरपोर्ट के साइड तो और मैं नहीं मिलूँगी तो मुझसे नाराज़ हो जाएंगी
बट अभी मैं उनको मैसेज कर दूंगी। काफ़ी सारे लोग बोलते हैं दी आप बैंगल क्यों निकाल दे दो, तो मेरी बच्ची छोटी है, कांच की चूड़ियाँ मैं डेली पहनती हूँ, लेकिन जब सोते टाइम ना उसको सुलाते टाइम मैं निकाल देती हूँ, क्योंकि ऐसे हाथ पे लेके उसको फीड कराना होता है और बींग मदर आपको पता ही है कि बहुत डर लगता है, बहुत ज़्यादा अपने बच्चों को लेके ना ओवर थिंकिंग करते रहते हैं, कहीं चूड़ी ना चूह जाए, कहीं ये ना चूह जाए। आप देखोगे कि मैं अधिकांश ऐसे ही रहती हूँ, जबकि आपको पता है कि मुझे सजना संवरना कितना ज़्यादा पसंद है, बट बींग अ मदर बच्चे हमारे फर्स्ट प्रायोरिटी हो जाते हैं। तो बस इसी के लिए अभी हम पहन लेंगे। थैंक यू सो मच कि आप लोग इतना प्यार दिखाते हो। मिलेंगे आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।